पंजाब से बिहार जा रहे करीब 200 मजदूर एआरटीओ द्वारा बसें सीज किए जाने की वजह से रुद्रपुर में फंस गए। भूखे प्यासे अपने परिवारों के साथ फंसे मजदूरों की सूचना जब असंगठित कामगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष पुलिस प्रशासन को हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद उन्होंने एआरटीओ से बात कर सभी मजदूरों को उनके परिवारों के साथ अपने गंतव्य की ओर रवाना कराया। इस दौरान मजदूरों ने बस मालिक पर एसी का किराया लेकर साधारण बस में सफर कराने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि रुद्रपुर पहुंचने पर राज्य का चेक पोस्ट पर आरटीओ ने बसों में क्षमता से ज्यादा सवारी होने पर रोक कर सीज कर दिया था, जिसकी वजह से बसों में सवार मजदूर वहीं फंस गए थे और वहीं बस मालिक ने भी अपना फोन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मजदूरों की भूखे प्यासे वहीं रात गुजारनी पड़ी। सुबह जब मजदूरों की बसें नहीं छोड़ी गईं तो राज्य का चेक पोस्ट पर हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने बस मालिक से उनका किराया वापस कराने की मांग की। एएसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि एआरटीओ से वार्ता कर बसों का चलान कर बसें छोड़ दी गई हैं, जिसके बाद मजदूरों को बिहार के लिए रवाना कर दिया गया है। से चलकर बिहार जाना चाह रहे हैं अपने घर और वो 1500 रुपए टिकट लेके बस में बैठे हैं और इस बस को रुद्रपुर में सीज कर दिया गया है। कल 12 बजे से ये लोग भूखे प्यासे यहाँ आरटीओ रुद्रपुर के सेल टैक्स के अहाते में बैठे हुए हैं। दोनों बसें यहाँ खड़ी हैं। मजदूर रात भर मच्छरों में बीमारी में इधर उधर तड़फते घूमते रहे। गुरुद्वारे में जाकर इन्होंने भोजन मिला, किसी ने इनको बताया कि गुरुद्वारे चले जाओ आपको वहाँ रोटी नसीब हो जाएगी। इन्होंने वहाँ जाके अपना पेट भरा और बड़ी मुश्किल से इनके छोटे छोटे बच्चे और इनकी एक माता, एक मजदूर साथी है हमारा, उसकी माँ एक्सपायर कर गई है, उसने मुझे फोटो दिखाया। तो ये हालात आज इस आरटीओ ने इन मजदूरों के कर दिए हैं, जबकि बस का मालिक फरार है, वो फोन नहीं उठा रहा और ड्राइवर कह रहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये मजदूरों को इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। मैंने आया हूँ, इनसे बात की है और इनके मुद्दे को उठाकर अभी आरटीओ का घेराव करेंगे और धरना देंगे वहां पे और इनके हक, इनको घर तक छोड़ने का काम हम करेंगे।